अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में पहले तो मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो लास्ट वीडियो हो, लेकिन कुछ दो तीन टॉपिक्स ऐसे थे जो कि आपके पास पेपर्स में भी आए हुए जिनको समझना जरूरी है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर एमसीक्यूज, ठीक है। तो वो जरा मैंने कराने थे, जिसमें कि आपका पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, ये आता भी होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आपके फर्स्ट रैंक ऑर्डर में लाइक करते हैं। दूसरी बात यह कि कुछ बातें जो आपको समझ में लाजमी आनी चाहिए और इस तरह के पेशेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं। फिर आपका एक है जो आपका प्लूरल इफ्यूजन वाला टॉपिक, और फिर एक छोटा सा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। जरा से इसको कंप्लीट करके तो हम जल्दी से सीवीएस मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। टेंशन आप लोग नहीं लेनी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास मेजर जो यूनिट्स हैं वो एक रेस्पिरेटरी, सीवीएस, जीआईटी, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, और एक फिर न्यूरो सर्जरी हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका बोझ हल्का हो जाता है। तो इंशाल्लाह जल्दी कवर कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नाम से पता चल रहा है, और आप लोगों ने टर्म पहले भी सुनी हुई है कि आपको पता है कि थ्रोम्बस का मतलब होता है कि कोई क्लॉट ब्लड का जो किसी वेसल में फॉर्म हो जाता है उसको थ्रोम्बस कहते हैं। किसी भी बॉडी की वेसल में हो सकता है, और जब वो क्लॉट अपनी जगह से डिसलॉज हो जाता है और वो ब्लड में तैरना शुरू कर देता है और वो ब्लड में जाके किसी और जगह पर लॉज करता है तो उसको हम एम्बोलस कहते हैं। अब पल्मोनरी सिस्टम में इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक इस वजह से कि पल्मोनरी बेसिकली थ्रोम्बस आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन वाली बनते हैं, यहां पर एम्बोलाई आते हैं। तो अगर कहीं जगह पर आपको टर्म लिखी हुई मिलेगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि जो आपके पल्मोनरी वैस्कुलेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं वो आते हैं आपके डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में से। अब बताए कि आपकी लेग की जो वेन्स है, जो डीप वेन्स है लेग की, लेग में दो तरह की वेन्स है, एक सुपरफिशियल वेन्स है और एक डीप वेन्स है लेग में, ठीक है, आपकी लेग्स की बात हो रही है। तो उन लेग्स में जो डीप वेन्स होती हैं खासतौर पे, उनमें थ्रोम्बाई बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं डिफरेंट किस्म के कंडीशन में। मैं बताऊंगी आपको कि हाई रिस्क पेशेंट्स कौन कौन से होते हैं। खासतौर पर सिंपल तरीन समझ लें कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज और बेड रिडन है बहुत लंबे अरसे से, उसमें भी हम कहते हैं कि क्लॉटिंग का चांस हो जाता है। कोरोना हो रहा है अभी आजकल, आप देख रहे हैं कि कोविड के पेशेंट्स बेड रिडन रहते हैं, तो उनको आप साथ साथ एंटीकोएगुलेशन थेरेपी देते हैं, हेपरिन देते हैं, या जो भी उनके लिए सूटेबल है वो देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि स्टैटिक जब रहती है ना टांगे, तो बॉडी की सारी वेन्स ही स्टैटिक है, लेकिन जो लेग की वेन्स है खासतौर पर वहां पर जब ब्लड स्टेसिस होता है तो वहां क्लॉट्स बनने का, थ्रोम्बाय बनने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ये थ्रोम्बाय फिर क्या होता है कि इन डीप वेन्स ऑफ द लेग्स में से ये हो जाते हैं डिसलॉज, और ये डीप वेन्स ऑफ द लेग्स से डिसलॉज होकर आपके वीनस सिस्टम में चलना शुरू कर देते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर की तरफ आएंगे सारे की सारी वेन, मतलब ऊपर आएंगे, फिर फेमरल वेन आएगी, फेमरल के बाद या ऊपर और मतलब और ऊपर आएंगे, और पहुंचते पहुंचते ये आपके इन्फीरियर वेना कैवा में पहुंच जाते हैं। इन्फीरियर वेना कैवा से ये पहुंचते हैं आपके राइट साइड ऑफ हार्ट में, यहां से आप हो जाएंगे आपके राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद ये एंटर हो जाते हैं आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी तो बड़ी आर्टरी है, लेकिन अगर ये थ्रोम्बस बड़ा होगा तो ये मेजर पल्मोनरी आर्टरी को भी ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अगर ये बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से आगे जाके किसी भी जगह पर इसको ब्लॉक कर सकता है, पल्मोनरी वैस्कुलेचर को। हो सकता है कि एम्बुलस टूट जाए, मतलब जो आया था, अभी थ्रोम्बस नहीं है, अभी एम्बुलस है, ये एम्बुलस टूट जाए और टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वैस्कुलेचर में डिफरेंट ब्रांचेस में जाके फंस जाएगा। जहां भी फंसेगा, डेफिनेट सी बात है कि अगर ये मेरा लंग है और ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, और ये उसकी पल्मोनरी आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, आपको पता है पहले आर्टीरियोज बनती है, फिर कैपिलरीज बनती है, फिर यहां से पल्मोनरी वेन्यूज बन के पल्मोनरी वेन बन के निकलती है। जहां भी जाके फंसेगा उससे अगले एरिया सारे में ब्लड सप्लाई को ये खत्म कर देगा। अगर मेजर किसी पल्मोनरी वेसल में फंस गया फिर तो बहुत बड़ा लंग का एरिया होगा जो कि परफ्यूजन से खत्म हो जाएगा, जहां की परफ्यूजन खत्म हो जाएगी। परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड सप्लाई। और अगर छोटी वेसल्स में फंसेगा तो छोटे एरियाज की होगी, डेफिनेट सी बात है कि उसकी वजह से चेंजेस आएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसी वजह से इसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, कि थ्रोम्बस नीचे से आता है, सबसे ज्यादा आपका डीप वीनस थ्रोम्बोसिस से आता है, और उसके बाद आके आपकी पल्मोनरी आर्टेरियल सर्कुलेशन को खराब कर देता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डीवीटी जो आपकी डीप वेन्स है लेग की वहीं से आए, आपके पास बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स में पेल्विक वेन्स में थ्रोम्बोसिस बन जाता है, ठीक है, बहुत कॉमन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से आपका जो बोझ पड़ रहा होता है ना पेल्विक एरिया पे, तो पेल्विक वेन्स में ना प्रेग्नेंट फीमेल्स के बहुत ज्यादा थ्रोम्बाय बनते हैं, वो थ्रोम्बाय भी फिर इसी तरह से ऊपर आते हैं, फिर मैंने क्या बताया वो भी राइट हार्ट से आपकी पल्मोनरी एम्बोलाई में चले जाते हैं। तो एक ही प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, और एक आपके पास वो लोग जो कि जिनको कोई ऊपर आईवी कैथेटर्स डले हुए हैं, जिनके सपोज ये कि मेरे पास एक पेशेंट है जिसको बाजू में बहुत अरसे से वो डला हुआ है, कैनुला डला हुआ है, तो जिनकी कैनुलेशन हुई भी होती है ना, आईवी कैनुलेशन, उन जगह पर भी थ्रोम्बाय बनने के, उन वेन्स में थ्रोम्बाय बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खासतौर पर जो प्रोलॉन्ग कैनुलेशन के पेशेंट होते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों में भी ये होता है कि फिर उनका वो वाला जो थ्रोम्बस बनता है वो डिसलॉज हो जाता है, और वो चलता चलता सुपीरियर वेना कैवा से राइट हार्ट में आ जाता है, मतलब कोई भी जगह से आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन डीवीटी है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स वाला भी एक बड़ी कॉमन कॉज है।
नेचुरल कोर्स मैंने इसका आपको बता दी कि कहाँ से निकल के आते और कहाँ से ऊपर आते और आगे किस तरह से ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हाई रिस्क पेशेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आपकी वो लोग जो कि रिसेंट जिनमें डीवीटी के चांसेस ज्यादा हैं, यानी डी वीनस थ्रोम्बोसिस। अब डी वीनस थ्रोम्बोसिस किन में हो सकती है, आपकी इमोबिलाइज कोई भी पेशेंट जो इमोबाइल होगा, वो हॉस्पिटल या है या नहीं है। अगर किसी पेशेंट की टांगे टूट गई है, सपोज फ्रैक्चर हुआ है किसी का एक्सीडेंट के बाद, वो भी इमोबाइल पेशेंट है। अगर कोई पेशेंट कोविड का पेशेंट है, वो भी इमोबाइल है। तो कोई भी पेशेंट जो इमोबाइल है वो तो है ही है। उसके अलावा जो सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं, खास तौर पे आपकी वो जो ऐसी सर्जरीज जिनमें आपका पेशेंट को बहुत ज्यादा अर्से के लिए बेड रिडन रहना पड़ता है, एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, या फिर उसकी जो पेल्विक सर्जरीज हैं, या फिर उसकी टांगों का फ्रैक्चर है, ठीक है, ये सारे पेशेंट्स हो गए आपके एक हाई रिस्क में। फिर कैंसर के पेशेंट, आपने सुना होगा कि कैंसर में वैसे ही एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट बॉडी में एक्टिव हुई भी होती है, तो कैंसर का जो थ्रोम्बोसिस होता है ना, वो होता भी बड़ा रेजिस्टेंट है, तो ये भी लोग होते हैं आपके बहुत ज्यादा हाई रिस्क में। उसके बाद आ जाते हैं आपके पेशेंट्स जिनको कोई ना कोई डिसऑर्डर है जो एक्वायर्ड या हेरिडिटरी दोनों तरह का हो सकता है, थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स। अब थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जिनमें या तो जेनेटिकली उनमें ऐसी प्रॉब्लम है कि जो एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म है वो खराब है। एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म में हमारी बॉडी में, अब नेचुरली आपको पता है जब अल्लाह ताला ने बॉडी में क्लॉटिंग सिस्टम दिया तो एंटी क्लॉटिंग सिस्टम भी दिया है, तो एंटी क्लॉटिंग सिस्टम में आपका एंटी थ्रोम्बिन 3 है जो एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है, ये सारे आपके एंटी क्लॉटिंग है। और ये आपने सारे पढ़े हुए हैं, मैं एक एक का फंक्शन अलग अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर डिस्कस कर लूंगी। बहरहाल ये एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। कुछ लोगों में जेनेटिकली डिजीजेस होती है जिनको हम थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, उनमें से सपोज प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी है उनको, ऐसे लोगों में वैसे ही एक प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट यानी थ्रोम्बोसिस की स्टेट एक्टिवेट होती है। इसी तरह जो लोग एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी, और फिर ये चीजें उनकी हेरिडिटरी भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड किस तरह हो सकती है, जो खासतौर पर आपकी फीमेल्स होती है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे, आपने पढ़ा होगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की फीमेल्स में थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आपका ईस्ट्रोजन आ रहा होता है ना, वो आपका एक प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट को एक्टिवेट करता है, तो वो भी आपके हाईएस्ट पेशेंट्स में आते हैं, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी का तो मैंने आपको बताई दी है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये सारी बातें ना आपके एमसीक्यूज में आने वाले, टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे, तो आपने ये लाजमी सुन लेना, देख लेना, दूसरी वीडियो पे जाएगा, लेकिन ये जरूरी है। अच्छा, अब हमारे पास जो पेशेंट है प्रेजेंट किस तरह करता है, आपका सिनेरियो आता है कि आपके पास एक पेशेंट आई है जो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे, 32 इयर्स ओल्ड फीमेल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है, सडन प्लूरेटिक पेन है और डिस्निया के साथ प्रेजेंट किया आपको, और कोई सिम्टम नहीं है, और उसका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, और उसका जो एबीजीज हमने किए तो ऑक्सीजन लो आया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लो आया है, ठीक है। अब आप देखिए, उनने कहा है कि सिर्फ उसे डिस्निया और प्लूरेटिक पेन है। प्लूरेटिक पेन अगर हम सोचें तो हो जाती है वो आपकी प्लूरा के डिसऑर्डर्स में, लेकिन एक 32 इयर्स ओल्ड यानी जवान जान फीमेल है जिसको सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक चीज बताई कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है। तो इन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि ऐसी फीमेल्स में बहुत ज्यादा चांस होता है कि उनको कोई ना कोई थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर हो, और साथ उन्होंने कह दी एक्सरे नॉर्मल है। एक बात याद रखना कि हमारे पास ना थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो पल्मोनरी होता है, इसमें चेस्ट एक्सरे बहुत वेरिएबल होता है। सबसे कॉमनली वो बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे होता है, लेकिन होगा तो बहुत कुछ शो भी कर सकता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल आपको बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका थ्रोम्बोसिस की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की तरफ ही, ठीक है। अच्छा, अभी क्या क्या हो सकता है एक्सरे में, मैं आगे आपको डिस्कस करती हूँ। तो एक आपको सिनेरियो इस तरह भी आ सकते हैं, सिनेरियो इस तरह भी आ सकते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू आफ्टर अ फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फीमर के फ्रैक्चर के बाद ना एक तरह का एम्बोलिज्म होता है, फैट एम्बोलिज्म, जो आपकी बोन टूटती है ना उसके फैट एम्बोलाई बनके पूरे ब्लड में सर्कुलेट करने लग जाते हैं। तो फीमर के फ्रैक्चर्स में फैट एम्बोलिज्म बड़ा कॉमन होता है, जो कि जाके पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो फीमर फ्रैक्चर्स के साथ आपका सिनेरियो आ सकता है। आपका सिनेरियो सिंपल आ सकता है कि एक पेशेंट था जो बेड रिडन था बहुत अरसे से, उसके साथ आ सकते हैं। तो आपने ये बातें सारी याद रखी, और इसमें आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी पेशेंट की, वो डिस्निया और प्लूरेटिक पेन, शदीद सडन ऑनसेट, ठीक है, सडन ऑनसेट प्लूरेटिक पेन एंड डिस्निया के अलावा कोई खास कंप्लेन पेशेंट की नहीं हुआ करती। और बहुत हो सके तो आप उसे हिस्ट्री में पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको बताए कि उसकी टांगे पहले सूजी हुई थी, उसकी टांगों में कोई ब्रूजेस थे या कोई स्वेलिंग थी, या कोई ऐसी बात बता दे। आप चेक करेंगे तो डेफिनेट सी बात है उसका हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा। क्यों बढ़ा हुआ होगा? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पर जहां पर इन्फेक्शन, जहां पर उसको एम्बोलिज्म आके फंसा है, उससे आगे अब उसकी परफ्यूजन नहीं हो रही, तो उसको ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं हो रही होती। जब जब आपका बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो आपका बॉडी सांस यानी आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। तो क्लिनिकल फीचर तो बहुत सिंपल से इसके। अच्छा, वेल्स क्राइटेरिया ना आपका कभी कोई वाइवा में पूछ रहे थे, वैसे कभी आता नहीं होता। ये सिंपल एक क्राइटेरिया जो एक बंदे ने, जिसका नाम यकीनन कोई वेल्स से रिलेटेड होगा, जिसने ये क्राइटेरिया बनाया है,
जिसमें आप ना पॉइंट्स देते हैं कि पेशेंट में ये सिम्टम है तो इतने पॉइंट दे, ये सिम्टम है तो इतने पॉइंट दे, और उससे हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क इस बंदे में कितना ज्यादा है। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया छोटा सा बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें सिर्फ याद करने वाली बात है कि अगर पेशेंट को इसमें सिर्फ इतनी बात है कि जैसे पेशेंट में डीवीटी के सिम्टम्स हैं, डीवीटी के सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसकी टांगे सूजी हुई हैं, वो बेड रिडन है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो जाहिर है उसमें डीवीटी के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। उसके साथ अगर उस पेशेंट वो इमोबाइल भी है तो मजीद उसको हम 1.5 पॉइंट्स दे देंगे। अगर उसकी कोई प्रायर हिस्ट्री भी है तो मजीद पॉइंट्स, तो इस तरह पॉइंट्स हर चीज के साथ एसोसिएटेड। और फिर उसमें हम देखते हैं कि अगर 6 से ज्यादा पॉइंट्स है तो वो हाई रिस्क है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, एंड वगैरह वगैरह। मतलब इसको एक दफा पढ़ लेने से कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, कोई समझने वाली बात भी नहीं है, बस एक याद से करने वाली बात है। ठीक है, बहरहाल इतना जरूरी भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई पूछता है। तो अगली आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज पे हम चलते हैं, जो कि है इन्वेस्टिगेशन। अब हमारे पास आ गया एक पेशेंट जो थ्रोमा एम्बोलिज्म का है और उसने हमें कंप्लेन किया। अब देखिए कंप्लेन्स तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सी हैं, हम सिर्फ प्लूराइटिक पेन से और उसकी इस बात से कि वो कहता है कि उसे शदीद दर्द शुरू हो गया, उसका सांस उखड़ रहा है, हम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते उसको थ्रोमो एम्बोलिज्म होगा। हम उसे एकदम से तेज तेज हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं और उसमें वो कोई ना कोई ऐसी बात बता देता है जिससे हमें जहन में हल्का सा क्लिक होता है कि हो सकता है, लेकिन हमने सबसे पहले करानी होती है हमारी बेसलाइन कुछ इन्वेस्टिगेशन जिनको हम जनरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका चेस्ट एक्सरे और ईसीजी आप सबसे पहले करेंगे। अब चेस्ट एक्सरे याद रखना है, सबसे कॉमन चेस्ट एक्सरे एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है इन केस ऑफ एम्बोलिज्म, कुछ भी शो नहीं हो रहा होता क्योंकि ये एक ना सडन डिसऑर्डर है, एक्यूट डिसऑर्डर है। एक्यूट जब एक चीज होती है तो आपको एकदम से बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आता, हो भी सकता है कभी कभार आपको पता है क्या क्या मतलब इसमें चेंजेस इतनी ज्यादा होती है कि अगर नजर आने लगे तो हो सकता है कि आपकी मेजर पल्मोनरी वेसल कोई ऑक्लूड हुई है, उसके आगे वाला एरिया जो है वो एकदम से लंग का जब नॉन परफ्यूज्ड रहा है और थोड़ा सा टाइम हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता लंग का वो एरिया कोलैप्स करता जाता है। हो सकता है पूरा लंग एटिलेक्टेटिक आपको नजर आए, पूरा एरिया वाइट नजर आए, जब एटिलेक्टेसिस ऑफ द लंग हो जाता है, कोलैप्स ऑफ द लंग हो जाता है, तो नॉर्मल जो लंग है वो सारा खत्म हो जाएगा तो व्हाइट एरिया नजर आएगा। इतनी बड़ी चेंज भी नजर आ सकती है, और हो नहीं नजर आएगा तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, नॉर्मल नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जो दो मेजर सी चीजें ना जो आपको मिल सकती है वो दो ये साइंस है, एक वेस्टर्न मार्क साइन है और एक हैम्पटन हम्प है। ये क्या होता है, आपको बहुत जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो देखते रहते हैं एक्सरेज को, वो ये चीज पिक कर सकते हैं ज्यादा आसानी से कि आपको वैसे ना हमेशा वेस्कुलर मार्किंग्स मिलती हैं चेस्ट एक्सरे में, मतलब आपको पता चल रहा होता है कि यस वेसल्स आर प्रेजेंट, वेस्कुलर मार्किंग्स होती है। वही बात है कि लेक ले मैन जिसने कभी एक्सरे देखा ही नहीं उससे क्या पता कि वेस्कुलर मार्किंग किस तरह नजर आती है, क्योंकि वो बहुत ही मिली हुई होती है, ऐसा नहीं कि वो अलग से कुछ नजर आ रही थी, लेकिन ब्लैक शेडो ऑफ एयर के अंदर हमें वेस्कुलर मार्किंग्स मिलती है। अब जहां पर आपका एरिया जिस जगह पर क्लॉट फंस गए उससे एक अगला एरिया आपको नजर आएगा जो बिल्कुल ब्लैक होगा, जो बिल्कुल जेट ब्लैक होगा, और वहां कोई वेस्कुलर मार्किंग नहीं आपको मिलेगी, तो इसको हम कहते हैं वेस्टरवार्क साइन। वेस्टरवार्क साइन शो करता है कि यहां पर आपका क्लॉट है, उससे आगे आपकी वेस्कुलर मार्किंग क्यों नहीं, क्योंकि क्लॉट ने वेसल्स को बंद कर दिया तो आगे वेसल्स की मार्किंग तो नहीं होगी ना। और हैम्पटन हम्प होता है आपका प्लूरा की तरफ से एक ऐसे करके हम्प सी बनी हुई होती है, और उस हम्प की वजह क्या होती है कि मेरे पास जो एरिया नॉन परफ्यूज्ड रहेगा ऐसा ऐसा क्या हुआ उस एरिया की सेल डेथ हो जाएगी। ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड आके उस एरिया को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सब कुछ सप्लाई करते हैं, जब ब्लड नहीं आएगा तो वो एरिया डेड हो जाएगा, इन्फ्रैक्शन हो जाती है। तो मेरे पास सबसे पहले जो मोस्ट डिस्टल एरिया है वहां की इन्फ्रैक्शन शुरू होती है, तो मेरे ये प्लूरा वाले करीब और ये वाला एरिया यहां पर अक्सर आपको नजर आता है एक हम्प सी व्हाइट से कलर की बनी हुई होती है, बाकी आपको लंग ब्लैक नजर आएगा जैसा नॉर्मल होता है, यहां व्हाइटिश सा एरिया नजर आएगा। इसकी वजह ये होती है कि ये एरिया में सेल डेथ शुरू होगी और ऐसा ऐसा ये सेल डेथ अब होती जाएगी क्योंकि ये एरिया इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, ये नॉन परफ्यूज्ड एरिया है, उसको हैम्पटन हम्प कहते हैं। तो ये बहुत प्रोमिनेंट साइंस है दो जो आपने याद रखने, अदरवाइज चेस्ट एक्सरे कैन बी नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आप एबीजीज कराते हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको डिक्रीज मिलेगा क्योंकि हाइपोक्सिया होगा पेशेंट को, जाहिर है अगर एक जगह पर वेसल ऑक्लूड होगी उससे आगे आ ही नहीं रही कोई आपकी वेस्कुलेचर तो वहां पर आपकी ऑक्सीजनेशन भी नहीं होगी, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है। और उसके साथ साथ एक आपका ग्रेडियंट होता है, आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था ए टू ए ग्रेडियंट, यानी कि जो आपकी एल्व्यूलर ऑक्सीजन है उसका ग्रेडियंट माइनस जो आपकी आर्टीरियल ऑक्सीजन है उसका ग्रेडियंट, उसको ए टू ए ग्रेडियंट कहते हैं। इसमें हमने देखना होता है कि जो एल्विला है उसमें ऑक्सीजनेशन कितनी है वो बड़ा ए शो कर रहा होता है, उसका मतलब एल्विला का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और छोटा ए आपकी आर्टरीज के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को शो कर रहा है। अब आप यहां पर देखिए हमारे पास ये एल्विला है और ये मेरी वेसल उसके पास से गुजरी है, इस केस में पल्मोनरी थ्रोमा एम्बोलिज्म केस में एल्विलाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्विलाय नॉर्मल थे, उनके अंदर हवा नॉर्मली आ रही थी क्योंकि मेरे पास इस सिस्टम में कोई मसला नहीं था, तो मेरा ये बड़ा ए जो है ये तो नॉर्मल होगा, यहां पर ऑक्सीजन होगी नॉर्मल। लेकिन जो आर्टरी है ना ये बेचारी इसके पीछे से ऑक्लूजन आ गई,
तो आर्टरी में आगे ब्लड नहीं आ रहा, आर्टरी में ब्लड नहीं आ रहा तो जाहिर है आर्टीरियल ऑक्सीजन तो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये डिक्रीज होगा, तो ये बड़ा ए होगा नॉर्मल, छोटा ए हो जाएगा डिक्रीज, तो ये जो ग्रेडियंट है टोटल ए टू ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू जब माइनस होगी तो इसका टोटल रिजल्ट आ जाएगा ज्यादा, ठीक है। सिंपल मैथ्स की बात की तो ए टू ए ग्रेडियंट ज्यादा होता है और ये आपका आता होता है एमसीक्यू, आपने याद रखना है। बाकी अगले पार्ट में कहते हैं, किसी को मसला हो के नाश में, थैंक यू।